और G20 डिनर मीट में शामिल होने के लिए सीएम नीतीश दिल्ली जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से दबाव था कि वो दिल्ली ना जाएं, और देर तक संशय की स्थिति रहने के बाद अंततः ये स्पष्ट हुआ है कि सीएम नीतीश दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि पीएम मोदी से 16 महीने बाद उनकी मुलाकात होनी है, और इसे लेकर कई तरह के सियासी कयास लगाए जा रहे थे कि पीएम मोदी से मुलाकात होगी तो कहीं नीतीश कुमार फिर पाला ना बदल लें, और इसलिए खबरें इस तरह की आ रही थी कि कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से उनके ऊपर दबाव है कि वो इस G20 डिनर मीट में शामिल होने के लिए ना जाएं। इस तरह की खबरें भी आई थी, लेकिन अंततः नीतीश कुमार, खबर ये आई है कि वो दिल्ली पहुंच रहे हैं और उनका काफिला एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है, और कुछ ही देर में नीतीश कुमार भी दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। तो काफी महत्वपूर्ण और बड़ी खबर थी। नीतीश कुमार चर्चा में इसलिए थे क्योंकि वो पीएम मोदी से मुलाकात के लिए जा रहे थे, और पीएम मोदी से मुलाकात को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही थी कि कई महीनों के बाद, 16 महीनों के बाद पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होनी है। हम आपको बता दें कि 2017-18 में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे, और उसके बाद जब कई महीनों के बाद पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हुई थी तो उनका मन बदल गया था, और उन्होंने फिर आरजेडी को अलविदा कहकर फिर बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया था। इस बार भी सियासी हलकों में इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि जब पीएम मोदी से 16 महीनों के बाद उनकी मुलाकात होगी तो फिर से कहीं वो पाला ना बदल लें, गठबंधन सहयोगी ना बदल लें, और इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही थी। खबरें इस तरह की भी आ रही थी कि कांग्रेस और आरजेडी के दबाव के बाद वो दिल्ली नहीं जाएंगे, लेकिन अंततः नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं और उनके दिल्ली जाने की पुष्टि हो गई है। लगातार अपडेट दे रहे हैं, नीतीश कुमार को लेकर कई तरह की चर्चाएं आम हो गई थी, उनके दिल्ली जाने को लेकर चर्चा चल रही थी, और अब ये स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, जिसके बाद सियासी चर्चाएं एक बार फिर शुरू हो गई हैं, क्योंकि कल से ही इस बात पर सियासी चर्चाएं चल रही थी कि नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे या नहीं जाएंगे। लंबे अरसे बाद पीएम से मुलाकात होनी थी नीतीश कुमार, और इसे लेकर कई तरह की सियासी चर्चाएं चल रही थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश कुमार पीएम मोदी के पास पहुंचते हैं, क्या मुलाकात होती है, क्या बात होती है, इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी, क्योंकि पिछले बार भी इसी तरह कई महीनों के बाद मुलाकात हुई थी तो नीतीश कुमार का मन बदल गया था। उसे लेकर बिहार में कई तरह की चर्चाएं चल रही थी, कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। वामपंथी दलों ने, आरजेडी ने, कांग्रेस ने, तमाम प्रवक्ताओं ने, नेताओं ने अपने अपने बयान भी जारी किए थे, और कहीं न कहीं ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के ऊपर इस बात को लेकर दबाव था कि वो दिल्ली ना जाएं। जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक जुड़ रहे हैं, जो इस वक्त एयरपोर्ट पे ही मौजूद हैं। विवेक, क्या कुछ खबरें आ रही हैं नीतीश कुमार के दिल्ली जाने को लेकर? क्या ये कंफर्म हो गया कि वो दिल्ली जा रहे हैं? कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो गए, अंदर अतिथि गेस्ट हाउस में बैठे हुए हैं। इनके जो फ्लैट है 11-10 में फ्लैट है, 11-10 के फ्लैट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बता दें कि G20 की जो बैठक है और उसमें जो रात्रि जो डिनर दी गई है, उस डिनर में शामिल होंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगभग डेढ़ साल बाद एक दूसरे की मुलाकात होगी, और दूसरे की मुलाकात को लेकर कई मायने में निकाली जा रही है कि क्या G20 के बहाने नीतीश कुमार के फिर से क्या वापसी होगा NDA में। जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने कह रहे हैं कि संभावनाएं राजनीतिक में संभावनाएं बनी रहती है, राजनीतिक में कोई दो दुश्मनी नहीं होता है। अभी एक तरफ देखना होगा कि जो जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव और जो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने मंत्रालय नहीं मिला, उसके बाद नीतीश कुमार पे दबाव बनाया जा रहा था कि नीतीश कुमार G20 के जो रात्रि डिनर है वो रात्रि डिनर में शामिल ना हो, ममता बनर्जी जा रही हैं, उसके साथ ही साथ और भी जो तमाम जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो जा रहे हैं। लेकिन जो कही जाते नीतीश कुमार को लेकर सस्पेंस था कि नीतीश कुमार जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार इन सब सस्पेंस पे विराम लगा दिया, नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। अब ये देखना होगा कि रात्रि डिनर के बाद क्या इनकी जो मुलाकात होती है, प्रधानमंत्री से मुलाकात होती है या नहीं होती है, क्योंकि जिस तरीके से कही जाए कई देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भारत आए हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सभी को स्वागत के लिए लगे हुए हैं, लेकिन जब बिहार से नीतीश कुमार जाते हैं तो उन किससे मुलाकात होती है या नहीं होती है, सबसे बड़ी नज़र बनी रहेगी। जी बिल्कुल विवेक, इस तरह की खबरें भी आ रही थी कि RJD और कांग्रेस का उन पर दबाव था कि वो इस G20 डिनर मीट में शामिल होने के लिए ना जाएं।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और बिहार के जो लालू प्रसाद यादव हैं जो आरजेडी सुप्रीमो हैं, उन्होंने दबाव डाल रहा था कि नीतीश कुमार नहीं जाए, क्योंकि नीतीश कुमार का छवि रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरीके से पिछले दिनों से जो चर्चाओं में है कि नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि जो अपने सीएम का कुर्सी हो लालू प्रसाद यादव के जो छोटे बेटे तेजस्वी यादव हैं जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं उनको सौंप दे। एक तरफ अभी इन लोगों का लगा दबाव चल रही थी, उधर राहुल गांधी जब विदेश में थे, विदेश से उन्होंने बयान दिया कि G20 के जो शिखर सम्मेलन हो उसमें कांग्रेस के जो बड़े जो कही जाए तो कांग्रेस का अध्यक्ष जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे उनको निमंत्रण नहीं दी गई, विपक्ष को कही जाए तो एक अवहेलना की गई है। अब ऐसे में लेकर एक तरफ जो दबाव बनाई जा रही थी कि नीतीश कुमार नहीं जाए, वहाँ दिल्ली नहीं जाए, डिनर में शामिल नहीं हो, लेकिन नीतीश कुमार के सुनते हैं सबका लेकिन करते हैं अपनी मन की बातें, करते हैं सबका सुनते हैं लेकिन करते हैं अपनी मन की बात। लेकिन इनकी जो है 16 महीनों के बाद फिर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, दिल्ली के लिए, और दिल्ली के जो दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो डिनर है डिनर पार्टी में शामिल होंगे, और राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू उनके तरफ से निमंत्रण दी गई थी कि डिनर पार्टी में शामिल होने के लिए, अभी डिनर पार्टी में शामिल होंगे। डिनर पार्टी के सामने शामिल होने के बाद निकाली जाएगी, मायने क्या है राजनीतिक मायने की, नीतीश कुमार क्या जो जिस तरीके से बिहार देश की राजनीतिक जो परिस्थितियां बना हुआ है, एक तरफ जो इंडिया गठबंधन बना है, क्या इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी इनकी भूमिका है नीतीश कुमार का एक यही है, तो सभी पार्टियों को एक मंच पर ला के नीतीश कुमार खड़ा किए हैं, और क्या नीतीश कुमार अगर प्रधानमंत्री के बातों में आकर नीतीश कुमार फिर से बीजेपी में पाला बदलते हैं तो कहीं जाए तो इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ी विवेक, यानी कहा जा सकता है कि G20 डिनर मीट में शामिल होने को लेकर नीतीश कुमार भी काफी संशय की स्थिति में थे। अगर वो जाते तो आरजेडी और कांग्रेस नाराज हो रहे थे, और नहीं जाते तो भी उन पर सवाल उठते कि वो आरजेडी और कांग्रेस के दबाव में नहीं गए, क्योंकि हेमंत सोरेन ममता बनर्जी ये भी इंडिया गठबंधन के हैं, लेकिन ये लोग तमाम लोग शामिल होने जा रहे थे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से नहीं जाते तो भी सवाल खड़ा रहता, और गए भी तो सवाल खड़ा क्या नीतीश कुमार जाके अपनी गोटी सेट करेंगे आगामी जो 2024 का लोकसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से चल रही है बिहार में सीटों के बंटवारा को लेकर इंडिया गठबंधन के बीच में कि इंडिया में कितनी सीटों को कौन सी पार्टी को कितनी सीट मिलेगी, इन सारे सीटों पर लेकर चर्चा चल रही है। एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि जितनी सबकी पार्टी का हैसियत था उस हैसियत से उन लोगों का सीट दी जाए, अब ऐसे में लेकर देखना होगा कि ये लोग नीतीश कुमार आज जब दिल्ली गए हैं G20 के शिखर सम्मेलन में और जो रात्रि डिनर में, उसके बाद क्या नीतीश कुमार वहाँ से सिर्फ भोज में शामिल होकर निकल जाते हैं या पटना आ जाते हैं, या उसके बाद इसकी भोज के बहाने राजनीतिक होती है कि नीतीश कुमार की फिर से जो कही जाए तो कयास जो लगाई जा रही है कि नीतीश कुमार फिर से कुर्सी के लिए, और जो कही जाए तो नीतीश कुमार को अगर कोई बड़े पद के लिए प्रधानमंत्री ऑफर करते हैं तो नीतीश कुमार उसके लिए भी दाव लगा सकते हैं, बिहार के सीएम का कुर्सी दाव लगा सकते हैं। अब यह देखना होगा, सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से कांग्रेस दबाव डाल रही थी कि नीतीश कुमार नहीं जाए, लेकिन नीतीश कुमार इन सारे विरामों पर विराम लगा दिया, नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। अब यह सबसे बड़ी जो सवाल रहेगा और सबसे बड़ी जो देखनी होगी कि नीतीश कुमार इन G20 के शिखर सम्मेलन के बाद जब पटना लौटते हैं तो मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कहते हैं, और क्या इनकी जो परिस्थिति, क्या प्रधानमंत्री इनको भाव दिए हैं या नहीं दिए प्रधानमंत्री, इन सारे बातों पर सबकी नज़र बनी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, और साथ ही नज़र इस बात पर भी बनी रहेगी कि अब इनके जाने के बाद यहाँ चर्चाएं क्या कुछ होती हैं और बिहार के सियासत में क्या कुछ होता है। हमें और हमारे दर्शकों को भी उन प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। फिलहाल आपको चर्चा में शामिल होने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता विवेक, पटना एयरपोर्ट के बाहर मौजूद थे, जो बता रहे थे कि नीतीश कुमार दिल्ली जाने के लिए रवाना हो गए हैं। उनके साथ ललन सिंह, संजय झा भी हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब नीतीश कुमार अंततः रवाना हो गए हैं तो कांग्रेस की तरफ से आरजेडी की तरफ से प्रतिक्रिया क्या कुछ आती है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, और बिहार में सियासी चर्चाएं क्या कुछ होती हैं। एशविल रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का
एक ही हल, एशवेल लाइफ डायबिटीज फ्री लाइफ। आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।